नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी प्लस पर। हाँ चलिए जल्दी बनाइए इस क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड टाइम 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जितने भी लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। देर आर 7 पर्सन EFGHIJNK इन अ क्लास। दे लिव ऑन अ 7 डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7। ऑल्सो दे लाइक डिफरेंट कलर। सभी को अलग अलग कलर पसंद है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब यहां पर बोला है अगर 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, मतलब कि ये ऐसा कुछ बनेगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपको क्या बोल रहा है यहां पर, आई लाइक्स ब्लैक एंड ई लाइक्स पिंक। आई को ब्लैक पसंद है और ई को पिंक पसंद है। ठीक है, एच लिव्स इमिडिएटली बिलो द वन हु लाइक व्हाइट एंड ही लाइक्स येलो। एच लिव्स इमिडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स व्हाइट, मतलब व्हाइट वाले के इमिडिएट नीचे में कौन रहता है, एच रहता है। ठीक है, एंड ही लाइक्स येलो, मतलब कि एच को येलो पसंद है। जे लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड लाइक्स ब्लू। जे जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है और इसको ब्लू कलर पसंद है। ठीक है, के लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर। के जो है वो फोर्थ फ्लोर पर रहता है एंड लाइक्स व्हाइट, और इसको व्हाइट पसंद है। अब आपको पता है कि व्हाइट के नीचे येलो और एच आना चाहिए, तो भाई एच और येलो को भी हम सेट कर सकते हैं। आगे बोल रहा है आई लिव्स जस्ट अबव ई। आई जो है वो ई के जस्ट ऊपर रहता है, बट नॉट ऑन सेकेंड फ्लोर, लेकिन सेकेंड फ्लोर पर नहीं रहता। मतलब या तो ये दोनों यहां पर होंगे या तो ये दोनों यहां पर होंगे। जी लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर अबव फोर्थ फ्लोर। भाई फोर्थ फ्लोर के ऊपर अगर ऑड नंबर के फ्लोर पर जी रहता है, तो इसका मतलब क्या है भाई, या तो ऐसा जी यहां पर आएगा या तो ऐसा जी यहां पर आएगा, और तो कोई हो नहीं सकता भाई। कॉमन सेंस कैसे भाई, ये देखो जी आई ई, जी आई ई, या फिर आई ई जी, आई ई जी, यही होगा कंफर्म। ठीक है ना, आगे आपको क्या बोल रहा है, एंड लाइक्स ग्रीन, और जी को ग्रीन पसंद है। ई डजंट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। अब भाई यहां पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है सिंगल पॉसिबिलिटी में, क्योंकि आपको बोल दिया कि ई जो है वो
इवन नंबर के फ्लोर पर नहीं रहता, मतलब आप ऐसा नहीं रख सकते आई और ई नहीं रख सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वाली आपकी कंडीशन गई तो आप यहीं पर रखोगे आई और ई को, तो जी टॉप पे हो जाएगा, जी आई ई। ये देखो ये वाला भाई, दो ही केसेस थे, या तो ऐसा होता सात छह और पांच, या फिर ऐसा होता सात छह और पांच, पर आपको बोल दिया ई जो है वो इवन वाले पे नहीं है, मतलब ये वाला नहीं हो सकता ना, तो सात छह पांच पे रख दो भाई, जी आई ई, जी आई ई। और जी को क्या पसंद है, ग्रीन, ई को क्या पसंद है, पिंक, और आई को क्या पसंद है, ब्लैक। अब आपको बोला है जे जो है वो ऑड में होना चाहिए, तो जे ये ऑड वाले पे आ जाएगा, ब्लू पसंद है इसको। क्या बच गया आपके पास, एफ रेड बचा है, एफ को यहां रखो, रेड को यहां रखो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, बिल्कुल एग्जाम लेवल के पजल्स हैं ये। ये कितने सेट तक जाएगा, 250, कम से कम 250 और मैक्स 300। ये सीरीज आप ये मान के चलिए एग्जाम के दो दिन पहले बैठकर अगर आप ये सीरीज के पीडीएफ डाउनलोड करके भी अगर बनाते हो ना, तो मान के चलो आपका पजल जो है वो पूरा बनना ही बनना है। पर स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं भाई, मुझे ना ये चीज का थोड़ा सा फिर दुख होता है कि इतनी मेहनत करो और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं, तो फिर मजा नहीं आता। फ्री क्लास लेना मतलब एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अपने शेड्यूल से, और उसके बावजूद उसमें बच्चे नहीं आए, तो क्या मतलब। आए करो भाई क्लास में, जो लोग नहीं आते हो, कभी कभार जो आते हैं ना, वो हर दिन आए करो क्लास में। एट बॉक्सेस, कितने लोगों का सॉल्व हो गया, एक बार यस कर दीजिए, और थोड़ा शेयर भी किया करो, दूसरों को रिकमेंड भी किया करो, क्योंकि मैं तो शेयर करता ही हूँ टेलीग्राम पे, बट आप लोग शेयर करोगे तो वो ज्यादा एक इफेक्ट पड़ता है उससे। 60% लोगों का हो गया। चलो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एट बॉक्सेस एल एम एन ओ पी क्यू आर आर एंड एस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स आर एंड बॉक्स पी, आर और पी के बीच में एक बॉक्स है। आगे आपको क्या बोल रहा है, वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एस एंड ओ, एस और ओ के बीच में भी एक बॉक्स है। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड आर, ओ और आर के बीच में दो बॉक्सेस हैं। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एस एंड एम, एस और एम के बीच में दो बॉक्सेस हैं। देयर इज नो बॉक्स इज प्लेस्ड अबव एल, एल के ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है, मतलब एल टॉप पे होगा। एन एंड क्यू, नहीं सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने कंडीशन। देयर इज नो बॉक्स इज प्लेस्ड अबव, यार ये फुल स्टॉप है तो ब्लैक कलर लेने का ना यही थोड़ा दिक्कत है, एक मिनट वेट करो यार, कलर चेंज कर लिया जाए। क्या बोल रहा है, देयर इज नो बॉक्स इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एल, उसके बाद फुल स्टॉप है, मतलब कि सही किए थे पहले, एल जो है ये टॉप पे ही होगा, उसके बाद ये फुल स्टॉप है, ठीक है ना। बॉक्स एन एंड बॉक्स क्यू आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एन और क्यू जो है ये एडजेसेंट है, मतलब ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है भाई। यानी आर इज प्लेस्ड अबव पी, आर जो है वो पी के ऊपर की तरफ है, तो ये देखो ये आर जो है वो पी के ऊपर की तरफ है, मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा भाई ये ऐसा, इसको हटा देते हैं। आगे बोल रहा है बॉक्स क्यू इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू एल, क्यू जो है वो एल के एडजेसेंट नहीं है, मतलब यहां पर क्यू नहीं आ सकता। देयर आर थ्री बॉक्सेस बिटवीन एल एंड एस, एल और एस के बीच में तीन बॉक्सेस हैं। अब देखो दोस्तों ये आपको टॉप पता चल चुका है ना भाई, टॉप कितने टोटल बॉक्सेस थे, आठ, ये सात, छ, पांच, चार, तीन, दो, एक।
क्या सेट करोगे भाई? एल आपको पता चल चुका है तो एस सेट हो जाएगा, एक दो तीन छोड़कर ये एस हो गया, एस पता चल गया तो आप एम सेट कर सकते हो भाई, एस से एम, एस से ओ सेट कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते? एस से अगर आपको एम रखना है तो कहां पर रख सकते हो, ये देखो ध्यान से देखना भाई, एस से या तो यहां पर हो जाएगा एम या फिर एस से यहां हो जाएगा एम, दो कंडीशन बनती है आपके पास। एस से एक बार एम को यहां पर रख दो, एस से एक बार एम को यहां पर रख दो। अब देखिए एस से आपको ओ रखना है भाई, तो ओ को कहां पर रखोगे? एस से एक बार ओ को यहां पर नीचे की तरफ रख सकते हो। अरे बताने दो ना यार, फिर मैं सिंगल वाला भी बताऊंगा, काहे टेंशन लेते हो आप लोग, सिंगल भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो एस से एक छोड़कर आपको ओ रखना है, तो एस से एक छोड़कर कैसे बनेगा भाई, ध्यान से देखते जाना, अभी सब बताऊंगा भाई मैं। ये देखो एस से एक छोड़कर ओ ऊपर की तरफ रख सकते थे, एस से एक छोड़कर ओ नीचे की तरफ रख सकते थे, इस वाले में देखो एस से एक छोड़कर ओ ऊपर की तरफ रख सकते थे, एस से एक छोड़कर ओ नीचे की तरफ रख सकते थे। अरे वेट करो ना, तो एस और ओ सेट हो गया। अब ओ से आर रखना है भाई, तो ओ से दो छोड़कर आर हो जाएगा, ओ से दो छोड़कर आर हो जाएगा, ओ से दो छोड़कर ये आर हो जाएगा, और ओ से दो छोड़कर ये आर हो जाएगा। क्या बच गया भाई आपके पास? आर जो है वो पी से एक छोड़कर ऊपर की तरफ है, मतलब पी यहां पर, ये वाली कंडीशन गलत हो गई, यहां पर पी। एन और क्यू साथ में होने चाहिए भाई, ये कंडीशन भी गई, ये कंडीशन भी गई, ये तो पहले ही जा चुकी है, ये वाली भी गई। अब यहां पर रख लो आप एन और ये क्यू, आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, फिर आप सिंगल में करेंगे इसको आप। चलो ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट। देखिए जब आपको पता है कि L टॉप पर है, मतलब ये आठवां होने वाला है, कंफर्म है एकदम, आठ सात छ पांच चार तीन दो एक, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे ठीक है। अभी तक तो हमने क्या किया, हमने बस बिना दिमाग लगाए कुछ भी, मतलब बस किए जा रहे हैं, अब हम लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग। हाँ, अभी बच्चों वाला किए हम, बच्चे करते हैं ऐसा, अब हम करेंगे थोड़ा दिमाग वाला काम, एक ऑफिसर लेवल वाला काम करेंगे अब। कौन सी चीज सेट थी भाई आपकी? एल सेट था, एक दो तीन छोड़कर एस सेट था, क्यू यहां पर नहीं आ सकता था, इसके अलावा कुछ था क्या बता दो भाई, क्योंकि मैं इरेज कर चुका हूं वरना गलत हो जाएगा। और कुछ था क्या? इतना ही था ना, चलो ठीक है, ये एल एस वाली कंडीशन हो गई, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, जब आपको पता है कि ये देखो ये वाली कंडीशन आपको एक दिख रही है, एस और ओ वाली, एक ये वाली कंडीशन दिख रही है आपको और एक ये वाली कंडीशन दिख रही है आपको, ये तीन कंडीशन दिख रही है ना, आर पी ओ और एस, इन सबको आप मर्ज, ये एस से एम भी दिख रहा है आपको, इन सबको मर्ज कर दो, पूरा का पूरा मर्ज कर दो। मर्ज करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एस को यहां पर लिया हूं, तो एस से अगर मैं ये दो छोड़कर ऐसे एम लेता हूं, दो छोड़कर ऊपर की तरफ भी एम बनता है भाई ऐसा, ये देखो यही होता है ना। यहां पर दोस्तों बात ये होती है कि भाई आर से जब आप इसको मर्ज करोगे ना, मैं इस लीनियर में बताता हूं आपको भाई, ये देखो जब आपको पता है कि एस से एक छोड़कर आपको ओ लेना है, ठीक है, और ओ से दो छोड़कर आर होना चाहिए, ओ से दो छोड़कर आर होना चाहिए, ओ से अगर मैं इस तरफ जाता हूं दो छोड़कर आर ऐसा, आर से क्या चाहिए आपको? एक छोड़कर पी चाहिए, थोड़ा वेट करो, आर से एक छोड़कर पी चाहिए, ये कितने लोग हो रहे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, क्या ये पॉसिबल था? नहीं था ना पॉसिबल, क्योंकि भाई आठ बॉक्सेस में आठवां सेट है आपका ऑलरेडी, टॉप पे ऑलरेडी एल सेट है आपका, और ये एस जो है भाई ये आपका फोर्थ पे ऑलरेडी सेट है, इसका मतलब क्या है भाई, ये फोर्थ नंबर पे है ना सेट है ना, ये फिक्स है, तो आप इसको ऊपर की तरफ ले सकते हो, ये देखो फोर्थ से फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, ये दिमाग में चलना चाहिए आपके कि जब एस फोर्थ वाले पे है तो अगर इस तरफ ओ लियो तो डेफिनेटली इसी तरफ आपको लेना पड़ेगा आर को, तो ओ से एक दो छोड़कर ये आर हो गया। ये चीज समझ में आई कि नहीं पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा कोई मतलब नहीं आगे बढ़ने का।
आया समझ में? देखो अगर एस फोर्थ पे है, पक्का पता है हमको भाई एस जो है फोर्थ पे, एक छोड़कर हमने ओ को लिया, तो दो छोड़कर ऐसे आर लेते तो क्या होता भाई? देखो चार से पांच छह सात आठ नौ, नौ बॉक्स तो है ही नहीं ना, है ही नहीं। और नीचे की तरफ भी जाते अगर चार से तो क्या हो जाता, चार से तीन दो एक यहीं पर खत्म हो गया, यहां तक तो जा ही नहीं पाता, पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जस्ट दूसरे साइड में आपने ले लिया आर को। अब देखो इसके बाद आपको क्या दिख रहा है भाई, और कौन सी कंडीशन थी? आर से एक छोड़कर आपको पी चाहिए, आर से एक छोड़कर आपको पी चाहिए। तो भाई पी के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है? देखो ये देखो, यहां से ऐसा पी बना सकते थे, ऐसा दिमाग लगाने वाला काम है भाई, जिनको दिमाग नहीं लगाना आप जा सकते हैं क्लास से। अगर मैं पी को यहां लेता हूं, देखो चार तीन दो एक, चार से तीन दो एक पॉसिबल है, चार से तीन दो एक, चार से पांच छ सात और आठ, क्या ये पॉसिबल है? एन और क्यू कहां रखोगे भाई? एन और क्यू के लिए दो स्पेसेस खाली चाहिए ना, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं रख सकते भाई इस तरफ। यहां पर रख लो एल को, आर एस एल ओ, सॉरी एल नहीं यार, क्या था ये, पी आर एस पी ओ, ये इतना कंफर्म हो गया, समझ में आया आर एस पी ओ कैसे सेट किए भाई? आर एस पी ओ अगर आपका इतना सेट हो चुका है, आप कौन कौन सी कंडीशन हो चुकी है आपकी, ये ओ वाली हो गई और एस ओ वाली हो गई, आर पी वाली हो गई, सिर्फ एस से दो छोड़कर एम वाली बची है। एस से एक दो छोड़कर एम रखोगे, फिर बात वही हो जाएगी भाई कि एक जगह पे आप एन और क्यू को कैसे सेट करोगे, कैसे सेट करोगे भाई एक जगह पे एन और क्यू को कैसे सेट करोगे? नहीं कर सकते। तो एस से दो छोड़कर एम को यहां पर रखो। अब दो प्लेसेस आपको खाली चाहिए, तो एस से नीचे की तरफ में पी ओ एम भाई, ये देखो आर से ये नीचे है ना पी, मतलब डेफिनेटली ये नीचे साइड होगा नीचे, तो चार से तीन दो एक, तो ये हो गया, यहां पर हो गया आपका आर, एन और क्यू, क्यू अगर यहां नहीं आएगा, यहां आएगा एन, यहां आएगा, सॉरी। ये दिमाग वाली चीज थी भाई जो दिख रहा था, और ये कब दिखेगा आपको? जब जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से, सोचने की कोशिश करोगे, तब ऐसा दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा भाई। दूसरी चीज क्या थी भाई इसमें? मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा दो। दूसरी चीज क्या थी इसमें? मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा दो भाई। देखो एस से दो छोड़कर एम चाहिए था, या तो एम यहां पर होगा या तो एम यहां पर होगा भाई, ऊपर एक के बाद है और ये नीचे है, यहां पर ले लो एम को। एस से एक छोड़कर ओ चाहिए था, वो या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा भाई, ये वाले मिनिमम है ना, एक है, इसके ऊपर कितना है, दो है, ले लो यहां पर होगा। ओ से दो छोड़कर आर था, ये आर हो गया, आर से एक छोड़कर नीचे पी था, पी हो गया, बचा क्या, क्यू और एन, तो भाई क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू यहां, एन यहां, सॉल्व हो गया। एक मिनट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मिनिमम पॉसिबिलिटी जो लगाना सीख गया ना, मान के चलो भाई आपके चार में से तीन पजल तो एकदम हलवा की तरह आप एक से सवा मिनट डेढ़ मिनट में बना दोगे, एक आध पजल में ऐसा होगा कि एक पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, दूसरी गलत हो जाएगी, तीसरे में सही हो जाएगा। सर हमें आता नहीं है तो जाने बोलते हो? नहीं मैंने कब बोला कि आता नहीं है तो जाने बोलो? अरे कुछ इस टाइप के रहते हैं ना जो नहीं चाहते ही नहीं है सीखना। सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे भाई सीखोगे तब तो, अभी तो टाइम लगेगा ही ना, सीखो। मेरा कहना वही है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप दिमाग लगाना चालू करो। आज नहीं समझ में आएगा, कल नहीं आएगा, परसों तो आएगा ना डेफिनेटली भाई। क्यों, ये रॉकेट साइंस तो है नहीं कि दिमाग के ऊपर से पूरा निकल जाए, है तो सिंपल सी चीज। अब इतनी जल्दी ये डन के मैसेज कैसे कर रहे हैं लोग? क्योंकि ये सीखना चाहते हैं और इन्होंने सीखा और इसलिए कर पा रहे हैं, आप भी कर पाओगे। हर स्टूडेंट शुरुआत में बिगिनर ही होता है। 8% RSTUVWXY are sitting around a circular table and all of them are facing towards the center of table but not necessarily in the same order. क्या बोला है भाई? एक सर्कल में आठ लोग बैठे हुए, सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है? ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ हो गया। आगे बोल रहा है यू सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर, यू जो है वो आर के सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है।
2% सिट बिटवीन यू एंड एक्स, यू और एक्स के बीच में 2% बैठे हैं। देखो इसको क्या करेंगे भाई, आर यहां पर, यू यहां पर, ठीक है। आगे क्या बोला है आपको, यू सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर, यू सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर, 2% सिट बिटवीन यू एंड एक्स, यू और एक्स के बीच में 2% है, यू और एक्स के बीच में 2% है, तो यू से 2% छोड़कर एक्स यहां आ गया, यू से 2% छोड़कर एक्स यहां आ गया। 1% सिट बिटवीन एक्स एंड वी, एक्स और वी के बीच में 1% है भाई, एक्स से वी इस तरफ भी हो सकता है, एक्स से वी इस तरफ भी हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है, वी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू यू, वी जो है वो यू के नेक्स्ट में नहीं है, तो एक्स से एक छोड़कर वी इस तरफ नहीं लोगे, तो एक्स से वी को सिर्फ यहीं पर ले लो, एक्स से एक छोड़कर वी को यहां नहीं ले सकते, तो एक्स से एक छोड़कर वी को यहां पर ले लो। एस सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, एस जो है वो वाई के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब दो स्पेसेस खाली चाहिए जो कि सिर्फ यहीं पर दिख रही है, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो y के लेफ्ट में s यहीं पर होगा, और तो कोई जगह ही नहीं है, दो स्पेसेस सिर्फ यहीं पर खाली दिख रही है, y के लेफ्ट में s होना चाहिए, अंदर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इसी तरफ होगा भाई। w does not sit next to v, w जो है वो v के नेक्स्ट में नहीं है, मतलब w यहां पर, v के नेक्स्ट में w नहीं है, मतलब w यहां पर। w does not face x, w जो x को फेस नहीं करता, गलत हो गया, ये कंडीशन सही, जो बच गया था उसको यहां पर रख दो। क्या बचा भाई, t बचा, उसको यहां पर रख दो। तो ये तो हो गया नॉर्मल लेवल। अब हम देखते हैं कि सिंगल पॉसिबिलिटी कैसे होगा। टाइम देखो दोस्तों, शुरुआत में टाइम लगेगा आपको, जो लोग बोलते हैं ना सर मिनिमम पॉसिबिलिटी या फिर सिंगल पॉसिबिलिटी में टाइम लगता है, एग्जाम में होगा कि नहीं होगा, अरे भाई प्रैक्टिस करोगे सब कुछ होगा, सब पॉसिबल है भाई, सब कुछ पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं होता जो पॉसिबल नहीं होता। चांद पे जाना पॉसिबल मानते थे कि आज से 200-300 साल पहले, पॉसिबल हुआ ना। क्या बोल रहे हैं यहां पर, U sit second to left of R, U जो है वो second to left में है R से, 2% sit between U and X, U और X के बीच में 2% बैठे हैं, 1% sit between X and V, X और V के बीच में 1% बैठा है, V does not sit next to U, V जो है वो next to U नहीं होगा, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं होगा, S sits to immediate left of Y, S जो है वो Y के immediate left साइड में है, W does not sit next to V, W जो है वो V के बगल में नहीं होगा, W does not face X, W जो है वो X को face नहीं करेगा, मतलब इसको आप ये बोल सकते हो भाई आमने सामने नहीं होना चाहिए, मतलब एक चीज मैंने आप लोगों को हमेशा बताई है, क्या बताया हूं, जब बीच में कितने लोग होते हैं, जब बीच में 3 पर्सन होते हैं, तो आप इसको इस तरीके से ना लिखकर आप इसको इस तरीके से लिखो कि W के बीच में तीन, W और X के बीच में 3 पर्सन नहीं होने चाहिए, बोल सकते हो ना ऐसा। आप ध्यान दो भाई थोड़ा सा यहां पर ना, दिमाग लगाने वाली चीज होती है, जब आपको पता है कि x से एक छोड़कर v है और x से एक छोड़कर v आप यहां पर नहीं ले सकते, तो डेफिनेटली v को यहीं पर लोगे, लोगे कि नहीं लोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ऑलरेडी हो चुका भाई। u से ये देखो, u जो है वो r से एक छोड़कर लेफ्ट की तरफ में है, मतलब r यहां पर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आर से लेफ्ट में ऐसा यू बोल सकते हो भाई, ये ऐसा लेफ्ट बना सकते हो ना। अब देखो आपको क्या पता है भाई, एस और वाई दोनों साथ में आने चाहिए, तो दो जगह आपको कहां पर दिख रही है, या तो ये वाली दो जगह या तो ये वाली दो जगह, बात एक ही है, कहीं भी लगाओ, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, एक ही है ना भाई बात, तो लगा दो भाई वाई और ये यू, सॉरी एस, ये एक थ्रेड की तरह, एक रस्सी की तरह, मैं रस्सी यहां पर नहीं है मेरे पास, इससे बता देता हूं मैं, आप इसको इस तरीके से मान सकते हो कि भाई जैसे ये एक वो है, रस्सी है, ठीक है, ये एक तरह से थ्रेड है, थ्रेड, जब इसके दोनों हम एंड को मिलाएंगे तो सर्कल बन जाता है ना, बन गया ना भाई सर्कल, बस वही चीज है, एस और वी, ये पूरा एक थ्रेड है, अब चाहे आप ये एस वाई को इस तरफ रखो, चाहे एस वाई को इस तरफ रखो, मिलके तो वही बनता ना भाई, कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं यहां भी रखता हूं, ये देखो अगर मैं इस तरफ भी रखता हूं एस और वाई को, तो भी क्या हो जाएगा, ये देखो वाई जो है वो यू का नेबर ही बनेगा, क्योंकि जब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो वही बनेगा, तो कहीं पर भी रखो, ये आपका हो गया पूरा। अब देखो क्या बचा था, वी जो है उसके बगल में डब्ल्यू नहीं, अगर डब्ल्यू यहां नहीं है तो डब्ल्यू यहां पर, तो क्या बचा आपके पास, एक टी बचा था, टी को यहां रख दो, ये आपका सॉल्व हो चुका है लीनियर वे में। अब इसको कहीं पर भी सेट करना चालू कर दो, एस से चालू कर देते हैं, चलो ये एस लेफ्ट की तरफ है ना, वी से स्टार्ट कर देते, वी टी एक्स आर
डब्ल्यू क्यू वाई और एस, ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट, एक्स यू के लेफ्ट में होगा, कैसे श्योर हो? एक्स यू के लेफ्ट में होगा मतलब, बोला था ना भाई क्वेश्चन में क्या बोला था, ये देखो, यू सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर। अच्छा एक्स की बात कर रहे हो कि एक्स जो है वो इसी तरफ क्यों आएगा, बताऊंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो प्रमोशन वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है। चौथा पजल है, उसके बाद अगर सीखना है तो वेट करना भाई, अगर जानना है कि ऐसा क्यों हुआ तो वेट करना, और नहीं तो फिर देखते हैं। देखो जब आप बनाते रहते हो ना तो दिमाग में चीजें पहले ही समझ में आ जाती है कि कौन किधर होगा कौन किधर नहीं होगा, समझ में आ जाती है कुछ चीजें। एक्सप्लेन करूंगा अभी कि कैसे वो चीज को इसी तरफ सेट किया हमने और इधर क्यों नहीं किया। भैया थ्रेड है, मैंने समझाया भी एग्जांपल देकर, वो थ्रेड है, आप चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, वो तो जुड़ के तो गोला ही बनेगा ना भाई, गोला ही बनाना है ना हमको। हम देखो एक चीज समझना इस बात को फिर से भाई, आप इसको ये दोनों को आप ऐसा करके भी सर्कल बना सकते हो और ऐसा करके भी सर्कल बना सकते हो, बना सकते हो ना। इस थ्रेड को आप ऐसा भी सर्कल बना सकते हो और ऐसा भी सर्कल बना सकते हो, अब चाहे लेफ्ट में लो चाहे राइट में लो यार। अगर हमको लगता कि नहीं भाई ये इस तरीके से नहीं बनेगा तो इस तरीके से बना देते। अभी समझाऊंगा, वेट करो, ये वाले क्वेश्चन के बाद प्रमोशन के बाद लास्ट में। कितने लोगों का हो गया भाई, यस करो जल्दी से। बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, तीन चार क्लासेस हुई है उसमें, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह की हुई है, मशीन इनपुट आउटपुट की हुई है, तो चाहो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उसको, क्योंकि और भी नए बैचेस आते रहते हैं, हर एक डेढ़ महीने में बैचेस आते रहते हैं, तो बैचेस का वेट मत करो, जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हो। प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, BC10 या फिर AL10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जितने ज्यादा समय का लोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट होता है। चलिए ये फ्री है, हाँ ये फ्री क्लास है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 8% NOPQRST एंड यू आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, सभी के सभी एक लीनियर रो पर बैठे हुए हैं। 8% है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सम ऑफ देम आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड रेस्ट फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, कुछ नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं कुछ साउथ की तरफ देख रहे हैं। नो 3% सिटिंग टुगेदर फेसेस इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दो से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए सेम डायरेक्शन वाले, दो से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए सेम डायरेक्शन वाले, ठीक। एन सिट्स सिक्स्थ टू लेफ्ट ऑफ क्यू, एन जो है वो क्यू से सिक्स्थ टू लेफ्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्यू हो गया, ये देखो क्यू से पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, पांचवा और ये छठवा, सिक्स्थ हो गया। क्यू फेसेस इन नॉर्थ, क्यू नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है अभी। आर सिट्स सिक्स्थ टू राइट ऑफ यू, आर जो है वो सिक्स्थ टू राइट में है U से, U faces in north direction, U का भी आपको पता चल गया भाई कि north direction है। 2% sit between O and S, O और S के बीच में 2% बैठे हैं। S does not sit next to U, S जो है, ये देखो, अच्छा चलो पहले तो इसको बनाते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई देखो जब आपको पता है Q north की तरफ देख रहा है तो आप इसको ऐसा ले सकते हैं, Q north की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर यहां पर हो गया N, या फिर क्यू यहां पर भी हो सकता था, ऊपर की तरफ देख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर यहां पर हो गया एन। अब यू के लिए भाई देखो, यू आपको यहीं पर रख सकते हो भाई, ये वाली कंडीशन में यहां पर रखिए, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर यहां हो गया आर। अब देखो ये वाली कंडीशन में आप यू को यहां पर रख सकते हो भाई, ऊपर की तरफ देख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर यहां पर हो गया आर, ठीक है। अब आपको पता है ओ और एस के बीच में दो लोग हैं तो यही वाली जगह बचती है भाई इनके लिए, ये देखो ये वाली दो जगह और ये वाली दो जगह। आगे आपको क्या बोल रहा है, S does not sit next to U and N, S जो है वो U और N के बगल में नहीं है,
एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू यू एंड एन. यू और एन के बगल में अगर एस नहीं है मतलब डेफिनेटली एस यहीं पर होगा, ओ यहीं पर होगा. यहां पर भी एस नहीं हो सकता मतलब एस यहीं पर होगा, ओ यहीं पर होगा, क्योंकि एन के बगल में भी एस नहीं है और यू के बगल में भी एस नहीं है. आगे क्या बोल रहा है आपको, टी सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ पी. टी जो है वो पी के इमीडिएट राइट में बैठा है. ठीक, पी फेसेस इन साउथ डायरेक्शन. अब पी अगर साउथ डायरेक्शन देखता है तो भाई इसका राइट इस तरफ हो जाएगा ऐसा. तो आप इसको ऐसा बनाओगे, पी और टी ऐसा, पी और टी ऐसा. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एन फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन. एन जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है. ठीक है, एस एंड आर फेसेस इन सेम डायरेक्शन. एस और आर दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस करते हैं. तो एस और आर का तो अभी आपको पता नहीं, यहां पर लिख देते हैं एस और आर सेम है. ओ फेसेस सेम डायरेक्शन एस पी. ओ और पी दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं. भाई पी नीचे देख रहा है तो ओ भी नीचे देखेगा, पी नीचे देख रहा है तो ओ भी नीचे देखेगा. अब दो लोग नीचे ये वाले हो गए तो भाई बीच वाले को भी नीचे कर दोगे तो ये तीन हो जाएंगे, इसलिए इसको ऊपर ही करना पड़ेगा आपको ऐसा, और कुछ नहीं कर सकते, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. टी फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज ओ. टी और ओ का ऑपोजिट है ये, देखो भाई टी और ओ का ऑपोजिट दिख रहा है आपको. बचा क्या भाई आपके पास, बचा क्या आपके पास, एस और आर अगर सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, एस और आर अगर सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो ये दोनों को आप नॉर्थ तो ले नहीं सकते, और नॉर्थ लोगे तो इधर से गलत हो जाएगा, तीनों एक साथ वाले हो जाएंगे. साउथ लोगे तो ये तीनों साथ वाले हो जाएंगे, मतलब ये कंडीशन गलत हो गई आपकी, हो गई ना गलत. अब देखो एस और आर को अगर आप यहां नॉर्थ लेते हो, यहां भी नॉर्थ लेते हो तो तीन हो जाएंगे, तो इसलिए आप इसको साउथ ले लो, इसको साउथ ले लो, क्वेश्चन सॉल्व. ये वाला आपका आंसर है, यही बना है सबका, यही बना है सबका. अब आते हैं सिंगल पॉसिबिलिटी में. ये तो था कोई भी कर लेगा वाला लेवल, ये तो था कोई भी कर लेगा वाला लेवल. अब उस लेवल पर आते हैं जो आपको एक्चुअल में करना चाहिए. हाँ, मेंटोस जिंदगी, ये थी आम जिंदगी. अब चलते हैं थोड़ा सा मेंटोस जिंदगी पर. सिंगल पॉसिबिलिटी भाई, जब आपको दिख रहा है ये ऐसा, जब आपको ये चीज दिख रही है एन एक दो तीन चार पांच छह, और ये भी आपको दिख रहा है एक, इनके बीच में भी पांच पर्सन है, एक दो तीन चार पांच छह. एक कॉमन सेंस की बात होती है, चाहे आप इसको ध्यान से देखना, चाहे आप इन दोनों को उठाकर ऐसा और ऐसा लगाओ, ठीक, चाहे आप इन दोनों को उठाकर ऐसा और ऐसा लगाओ. समझ में आया कि नहीं ये चीज जो मैंने बताया भाई. यू को आप चाहे यहां पर लगाओ चाहे यहां पर लगाओ, आर को चाहे आप यहां पर लगाओ चाहे यहां पर लगाओ. बात तो यही होगी ना कि आखिरी के दोनों में एन और यू ही होने वाले हैं, और इस तरफ के एंड पे यही दोनों होने वाले हैं, हां या ना भाई. अगर मैं यू को यहां लगाता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हो गए ना, आठ पर्सन. आर यहां पर आ गए तो आर और क्यू इस एंड पे हो गए, एन और यू इस एंड पे हो गए. अगर मैं मान लो आर को यहां लगाता तो ये देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ पर्सन है, तो एन और यू इस वाले दोनों एंड पे हो गए और क्यू और आर इस वाले एंड पे, मतलब दोनों के एंड एंड तो आपको पता चल गया ना भाई, दो पर्सन इधर दो पर्सन इधर, कौन कहां छोड़ दो फर्क नहीं पड़ता, कौन कहां छोड़ दो फर्क नहीं पड़ता. बस आप ऑब्लिक लगा लो कि एन ऑब्लिक क्यू, सॉरी यू है, एन ऑब्लिक यू एक दो तीन चार, क्यू ऑब्लिक आर, इतना क्लियर है. अब जब आपको बोला है कि ओ और एस के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो ही पर्सन बैठे हैं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यही दो जगह दिखती है, और आपको क्या बोला था, ओ O और S जो है इसमें से S जो है ये N और U दोनों के नेबर में नहीं हो सकता. ब्लॉक करो ऐसे लोगों को, भाग जाओ ना भाई. अरे देखो मैं इनसे बात भी नहीं करना चाहता, देखो लेवल वालों से बात करनी चाहिए, लेवल वालों से बात करनी चाहिए. तो छोड़ो ये लोगों को, करने दो भाई, ये हमारे लेवल के नहीं है. यहाँ जितने स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं ये हमारे लेवल के लोग नहीं है, तो जाने दो भाई, हम इनको रिजल्ट में बताएंगे सीधा. भाई एन और यू, देखो एस जो है ये एन और यू दोनों के नेबर में नहीं हो सकता, मतलब कि भाई डेफिनेटली यहीं पर एस होगा ना भाई, क्योंकि या तो यहां एन है या तो यू है, तो एस यहीं पर आएगा, ओ यहीं पर आएगा. क्लियर हुआ ये चीज,
और कौन सी कंडीशन थी भाई, पी जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है और टी उसके लेफ्ट में है, तो पी यहीं पर, राइट में, तो पी यहीं पर आएगा और टी यहीं पर आएगा, इसका डायरेक्शन आपको पता था। इतनी चीजें आपकी सेट हो गई, ओटीपीएस कंफर्म हो गया, एकदम एकदम कंफर्म ओटीपीएस। अब देखो आपके पास क्या, कौन सी कंडीशन थी भाई यहाँ पर, इधर नीचे हॉचपॉच हो गया, इसको थोड़ा यहां पर देख लेते हैं। एन सिट्स सिक्स टू लेफ्ट ऑफ क्यू, एन जो है सिक्स टू लेफ्ट में है क्योंकि क्यू फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, आर सिट्स सिक्स टू राइट ऑफ यू, यू फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, 2% सिट बिटवीन ओ एंड एस, एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू यू एंड एन, टी सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ पी, टी जो है पी के राइट में, ठीक है, पी फेसेस इन साउथ डायरेक्शन, ये भी हो गया था, एन फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, एन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा, ठीक है। और क्या बोला आपको, एस एंड आर फेस इन द सेम डायरेक्शन, एस और आर जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है। और क्या बोला था आपको, ओ फेसेस सेम डायरेक्शन एस पी, ओ और पी सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो ये भी नीचे हो गया। अब देखो ये नीचे हो गया तो टी ऊपर की तरफ हो जाएगा कंफर्म भाई, ओ अगर नीचे हो गया तो टी कंफर्म हो गया ना, आगे बोला भी आपको टी फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओ। अब आपके पास बचा क्या क्या था दोस्तों, अगर क्यू के लेफ्ट में आने मतलब कि क्यू भी नॉर्थ डायरेक्शन ही फेस कर रहा था, और अगर यू के लेफ्ट में आ रहा है, यू के राइट में आ रहा है मतलब यू भी आपका नॉर्थ डायरेक्शन ही फेस कर रहा था, हाँ या ना, यही चीजें थी, बाकी सब तो हो गया था, हटा देते हैं, सिर्फ ये चीजें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब कुछ दिखेगा आपको सामने। एस ओ ओ एस नहीं ले सकते ना, वही तो समझा रहा था, उस समय क्यों नहीं देखे। देखो दोस्तों कैसे दिख रहा है पता है, मैंने अभी बोला ना कि सब कुछ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस, सिंपल सी चीज है। जब आपको पता है कि एस और आर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है क्यू जो है ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एस और आर को यहां पर मानता हूं, नीचे की तरफ तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तीनों गलत हो जाएगा भाई, ये देखो ये भी नीचे नहीं ले सकते ना, अगर एस और आर को मान रहा हूं मैं तो नीचे की तरफ नहीं ले सकते, और अगर नीचे की तरफ नहीं ले सकते और ऊपर की तरफ एस और आर को मानते हो तो भाई क्यू भी तो ऊपर वाला था, तो ये तीनों गलत हो जा रहा है ना, मतलब कॉमन सेंस क्या कहता है कि आर यहां पर आ ही नहीं सकता, तो एक ही जगह बचती है भाई आर के लिए, लास्ट वाली, यहां पर आएगा क्यू, आर आएगा यहां पर, क्यू ऊपर की तरफ देख रहा है और ये दोनों नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब देखो भाई क्यू यहां पर था तो एक दो तीन चार पांच छोड़कर कौन था, क्यू से लेफ्ट की तरफ में कौन था, एन बैठा हुआ था ना, तो ये लास्ट वाला एन हो गया आपका, ये N और U को यहां पर सेट कर दो, क्यू से एक दो तीन चार पांच छोड़कर ये N हो गया, ये U हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें डायरेक्शन बस आप सेट कर दो, O और P सेम है मतलब कि O और P ये हो चुका है, और कौन सा था भाई U के लेफ्ट में आ रही है, U ऊपर की तरफ हो गया, और कौन सा बच गया था, N ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये सॉल्व। हार्डली एक से डेढ़ मिनट लगता है भाई अगर आपका दिमाग चल रहा है तो, दिमाग नहीं चल रहा है तो टाइम लगेगा। देखिए जो आलतू फालतू का लोग आते हैं ना, मेन चीज ये है भाई, जितने इन्होंने एग्जाम नहीं दिए हैं, बाकी आगे आप समझदार हो, जितने इन्होंने एग्जाम नहीं दिए उससे ज्यादा रीजनिंग में 35 out of 35 मेरे मार्क्स आ चुके हैं, तो अब इनको क्या समझाएं भाई, जितने महीने इनको तैयारी करते नहीं हुए उतने महीने तो मैं बैंक में काम कर चुका हूँ भाई। चलिए वो वाला क्वेश्चन का एक चीज बताना था मुझे, लेकिन उससे पहले जरूरी चीज, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो BC10 या फिर AL10 कोड यूज कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन का मैं बताऊंगा ना, थ्रेड वाला जो पूछ रहे थे आप लोग डाउट, BC10 या AL10, इससे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस पे, 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसकी फीस है 6000, इसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, अगर आप अटेंडेंस 2000, दो ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी फीस है 7200, इसमें आपको 720 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 6480। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए, जो एकदम नए स्टूडेंट्स हैं अभी अभी तैयारी चालू की, वैसे लोग ही 2 ईयर का लेना, वरना 1 ईयर का काफी होता है। अब इसमें दोस्तों हर एक से डेढ़ महीने में नए नए बैचेस आते रहते हैं, आप कोई से भी बैचेस अटेंड कर सकते हैं, आप किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हैं।
आप अगर मेरी क्लासेस के साथ साथ और भी टीचर्स की क्लासेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई इतना पैसा देने के बाद हमको क्या क्या मिलेगा। सब कुछ मिलेगा आपको, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स, प्री, मेंस और जितने भी आपके एग्जाम आते हैं, हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेस आते रहते हैं, तो आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि भाई 1 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उसमें आप हार्डली एक आध कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे और इसकी फीस 1200 होती है, जबकि ये जो अमाउंट है इसका सिर्फ 4.5 गुना है। मतलब आप 4.5 मंथ की फीस में 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो बाकी चॉइस आपकी, आप कोई सा भी ले सकते हो, ये दोनों कोड में से कोई सा भी आप कोड इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए तो बताता हूँ भाई दोस्तों, वो वाला क्वेश्चन जो था ये सर्कल वाला, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसकी कंडीशन को हम पढ़ते हैं फिर से। छोटा सा ही है, जरूर सुन लीजिए भाई जाने से पहले, क्योंकि अच्छी चीज है। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, उससे शायद आपका भी कुछ थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर आपको क्या बोल रहा है, यहां पर आपको बोल रहा था कि U sits second to left of R, U जो है वो second to left बैठता है भी R से, ऐसा। आगे बोल रहा है 2% sit between U and X, U और X के बीच में 2% है। कुछ लोग बोल रहे थे सर इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया आप, X 2 छोड़कर U, यही बोल रहे थे ना उस समय। यही बोल रहे थे ना, चलो देख लेते हैं। 1% sits between X and V, X और V के बीच में 1% है। V does not sit next to U, V जो है वो U के next में नहीं बैठता, मतलब कि V यहाँ पर नहीं होना चाहिए। S sits to immediate left of Y, S जो है वो Y के immediate left में है। W does not sit next to V, W जो है वो V के next नहीं बैठता, तो यहाँ पर W और W को ऐसे cross कर दो। W does not face X, W जो है वो X को face नहीं करता, मतलब कि 3 लोग नहीं होने चाहिए इनके बीच में, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से भाई, जब आपको पता है ये x और u वाली कंडीशन, हमने उस समय ऐसा लिया था u 2 छोड़कर x, तो अब क्या करो भाई, इसको वैसा मत लो ना आप, ऐसा ले लो, चलो x 1 2 छोड़कर ये हो गया u। अब जब पता है x से 1 छोड़कर v लेना है और v u के बगल नहीं आ सकता, तो x से 1 छोड़कर v यहां नहीं आ सकता, मतलब डेफिनेटली v यहीं पर आएगा, आएगा ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 6 लोग हो चुके हैं, आप चाहे यहां पर 2 डॉट लगा दो, चाहे आप यहां पर 2 डॉट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो कहीं पर भी लगा लो भाई, ये लो यहां पर लगा दिए, ये आपका 8 लोगों का पूरा थ्रेड बन चुका है, 8 लोगों का पूरा थ्रेड बन चुका है। ध्यान से सुनिएगा, बन गया ना ये थ्रेड। अब देखिए भाई थ्रेड, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था केबल वाला, कि जब हम थ्रेड को इधर से ऐसे जोड़े या फिर हम उसको जस्ट ऐसे नीचे की तरफ से जोड़े, बात वही होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी, इतना आप लोगों ने सेट कर लिया। अब देखो आपको क्या पता है दोस्तों, ध्यान से देखना, कि R से 1% छोड़कर U लेफ्ट की तरफ में है और S से Y ये भी लेफ्ट की तरफ में है, डायरेक्शन इसी से सेट होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन इसी से सेट होगा, ये वाली कंडीशन हो चुकी, जो हो चुका उसको हटा देता हूं, इसको भी हटा देते, X से 1 छोड़कर V, सिर्फ V के बगल में W नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि W से 3 छोड़कर X नहीं होना चाहिए, मतलब X से 1, आप किसी भी तरफ से देख लो, X से 1 2 3 छोड़कर यहां पर W नहीं हो सकता, नहीं होगा ना W यहां पर, नहीं होगा ना भाई W, X से आप इस तरफ से देखो तो भी 1 2 और ये वाला 3 छोड़कर W नहीं हो सकता। और क्या बोला है, V के बगल में W नहीं होना चाहिए, तो V के बगल में W मतलब W यहां पर भी नहीं होगा और W यहां पर भी नहीं होगा, क्योंकि V का नेबर ये वाला भी तो है ना भाई थ्रेड के हिसाब से, तो यहां पर भी W नहीं होगा। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि भाई इस जगह पे सिर्फ 2 स्पेसेस आपको दिख रहे हैं और उन्हीं 2 स्पेस में कहीं पर 1 में W आने वाला है, है कि नहीं। तो अगर ये W अगर आप यहां पर रखते हो, मतलब डेफिनेटली S और Y को तो यहां पर आप रख नहीं पाओगे भाई, S और Y के लिए आपके पास सिर्फ यही वाली जगह बचती है, ये देखो S/Y, यही जगह बचती है बस आपके पास। ठीक है, तो अगर ये वाली जगह आपके पास बचती है, अब ये सबको मैं हटा देता हूं यहां से, ये देखिए आपको क्या बोला था, R से लेफ्ट की तरफ में U है, अगर R से लेफ्ट इस तरफ नहीं हो रहा, मतलब R से लेफ्ट की तरफ U कब होगा, जब ये ऐसा नीचे की तरफ देख रहा होगा, ये ऐसा नीचे की तरफ देख रहा होगा, ऐसा, ये देखो ध्यान से देखो भाई, बहुत अच्छी चीज है ये ऐसा देख रहा होगा, तभी तो लेफ्ट की तरफ में U आया ना, आया कि नहीं आया। अब देखो W यहीं पर आना था, तो यही जगह बची W के लिए, अगर S और Y यहां पर आने वाले हैं तो बचा क्या था आपके पास, T बचा था। अब देखो ये अगर अंदर की तरफ देख रहा है ना, बोला आपको क्या है भाई, ये देखो सेंटर, तो अगर इसको आप सेंटर लेते हो, आर को यहां पर ले लो, ये देखो ये ऐसा देख रहा है ना, ये देखो ऐसा देख रहा है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको सेट कर दो, ये एक्स हो गया, ये टी हो गया, ये वी हो गया,
और इस तरफ जाओगे तो ये W हो गया, ये U हो गया। अब ये वाली कंडीशन को देख लो, Y की लेफ्ट में S है, मतलब डेफिनेटली Y यहाँ आएगा, S यहाँ आएगा, सॉल्व हो गया। तो कुछ नहीं रखा है भाई, कहाँ इतना लंबा चौड़ा, तीन तीन चार चार, अगर आप इसको सर्कल बना बना के करोगे तो तीन चार क्यों बनाना भाई, जब भगवान ने दिमाग दिया थोड़ा तो यूज करो उसको। तो यही तरीके होते हैं दोस्तों कि जो स्टूडेंट्स अभी भी, मैं मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 20 मिनट भी नहीं लेते 35 क्वेश्चन बनाने के लिए, 15 मिनट 16 मिनट वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक लगाओगे तो आप भी 15 16 17 मिनट में कर जाओगे, लेकिन अगर आप लॉजिक नहीं लगाओगे, बस गधों की तरह लगे पड़े रहोगे बनाने में, तो कोई फायदा नहीं है इसका। कुछ नया सीखो, अगर आप वही करते रहोगे जो हर कोई कर रहा है, तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 लाख में 10,000 का सिलेक्शन होता है। वो 10,000 का सिलेक्शन क्यों होता है, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं बाकी के 9,90,000 लोगों से, इसलिए उनका सिलेक्शन होता है। तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। कितने लोग नए आए थे आज, फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए थे, एक बार यस कर दीजिए जल्दी से। कैसी लगी भाई क्लास, मजा आया कि नहीं, नई चीजें सीखने को मिली कि नहीं, बेस्ट ट्रिक्स टू सॉल्व पजल्स। चलिए तो एक बार फिर से दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा BC10 या फिर AL10, AL फॉर अंकुश लांबा और BC फॉर बैंकिंग क्रॉनिकल, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है बैंकिंग क्रॉनिकल, तो बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, ठीक है, और यूट्यूब पे। और YouTube पे आज जो मैंने मेंस की पजल करवाई थी वो जरूर करिएगा, बहुत बेस्ट SBI PO मेंस लेवल का पजल था वो, हालांकि RRB PO मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए जरूर करिएगा। तो अभी YouTube पे एक आध और क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि 1:30 बजे से फिर मेरी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है, मिस नहीं करिएगा। जितने भी स्टूडेंट प्लस वाले हैं, कितने लोग प्लस वाले हैं भाई, यहाँ पर यस कर दो जल्दी से। 1:30 बजे रीजनिंग की क्लास है पजल की, और पजल्स बनाएंगे हम, आठ पजल बनाएंगे प्लस की क्लास में, 8 या 10। तो जरूर आइएगा प्लस की क्लास में, मिस नहीं करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।